नमस्कार जोहार। आज सभी शिक्षक बंधुओं का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। और आज जो मेरे चेहरे पर खुशी है वो एक्चुअली जो है आज के दिन की सुनवाई का है, और आपके उज्जवल भविष्य को लेकर के जो मैं लगातार प्रयास कर रहा था उसका जो है आज खुशी जो है वो मेरे चेहरे पर दिखाई दे रही है। एक्चुअली आज का दिन जो था वो नॉन ज्वाइन टीचर के लिए काफ़ी बेहतर था, काफ़ी अच्छा दिन माना जाएगा। और आज के दिन जो है सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई है उसका पूरा विश्लेषण जो है मैं यहाँ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। हर एक चीज़ जो है पॉइंट वाइज बताऊँगा जिससे आपको कहीं पर कोई कन्फ्यूज़न ना रह जाए। तो शुरुआत करते हैं बिना कोई समय गंवाए हुए। और ऐसे शिक्षक बंधु जो मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा मेरा उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आज हम अपना शुरू कर रहे हैं कि आज सुनवाई में क्या क्या हुआ है, किन किन महत्वपूर्ण बातों पे बात हुई है, और क्या क्या रिजल्ट्स आए हैं, और क्या क्या फाइंडिंग्स आपको मिलने वाली हैं। तो स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज आप सभी को पता है कि आज जो एक अहम सुनवाई होने वाली थी, आज सरकार का पक्ष भी सुना जाना था और साथ ही साथ जो TGT नॉन ज्वाइन टीचर थे उनके पक्ष को भी आज सुना गया है। तो जो कल की हियरिंग का शेष चीज़ रह गई थी उसको आज जो है कोर्ट के माध्यम से सुना गया है। तो आज जो है सेकेंड हाफ में जो है आपकी सुनवाई का समय निर्धारित किया गया था, और हमको लग रहा है कि सवा दो के आसपास जो है सुनवाई स्टार्ट हुई है। तो सबसे पहली बात यह है कि जो नॉन ज्वाइन टीचर के एडवोकेट के माध्यम से जो है कोर्ट में पूरी सीट का ब्यौरा दिया गया है, ये बहुत ही ज़रूरी था। और ये जो है पूरा सीट का ब्यौरा जो है ये नॉन ज्वाइन टीचर के जो एडवोकेट महोदय ने बहुत ही चालाकी से दिया और बहुत ही समझदारी से रखा। उन्होंने सबसे पहले क्या किया, जो भी टोटल सीट आपकी थी 17,000 समथिंग, उसको इन्होंने बताया कि ये दो भाग में डिवाइड थी। मैं कहता हूँ हो सकता है कहीं कन्फ्यूजन हो कोर्ट को, इसलिए उन्होंने सभी चीज़ों को बहुत ही माइन्यूट ऑब्जर्वेशन के साथ वहां पे रखा है। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या क्या ऑब्जर्वेशन उनके थे जिसके नाते आपको आज थोड़ा लाभ मिल पाया है। तो इन्होंने सबसे पहले टोटल सीट को बताया एडवोकेट महोदय ने, और बताया कि ये डिवीजन कैसा डिवीजन था। तो ये बताया 75% जो डायरेक्ट था और 25% जो था वो ज्वाइन टीचर्स के लिए रिजर्व था, ये बताया इन्होंने। और फिर बताया इन्होंने कि एक्चुअली में यहां पर 75% जो है इसमें सीटों की संख्या लगभग कितनी है, 13,398, और यहां पर क्या हुए हैं टीचर्स की ज्वाइनिंग हुई है और वो आंकड़ा जो है लगभग 8,000 समथिंग है। तो ये सारी बातें जो एडवोकेट महोदय हैं इनके द्वारा रखा गया। अब जब इनके द्वारा ये बात रखी गई और फिर बताया गया 25% जो PRT की साइड से था, तो अब जो है जो डिफेंड करने वाले मतलब सरकार की साइड से जो वकील साहब थे उन्होंने अब क्या बताया, तो उन्होंने अब बोला अगले पॉइंट में उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि ये जो 25% की सीट है ये जो 25% की सीट है ये पहले से ज्वाइंट प्राइमरी टीचर्स के प्रमोशन से भरी जानी है, उनके प्रमोशन से ये भरी जाने वाली सीट है, और जो मेरिट बनेगी जो कुछ भी हम देंगे वो केवल कितने पर देंगे, केवल इस 13,398 पर ही देंगे। मतलब सरकार फिर यहां कुछ अपना लगा रही थी दिमाग कि जो भी हम दें जो भी हम सीट है ये 25% वाला ही बचा ले जाए। और मैं बार बार इसका जिक्र करता रहता हूं कि देखिए इस 25% को लाइए, और ये आज बहुत अच्छी बात है कि आज 25% आया, अगर नहीं आता तो फिर यही पॉइंट फिर फंस जाता, फिर आप सरकार के पास जाते और फिर कहते साहब ये 25% दिया जाए, और फिर सरकार कहती कि नहीं कौन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट उसको अब देखा जाएगा, तो दो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट उसको दिया जाएगा, पांच इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट ऐसा दिया जाएगा। उसका कोई क्राइटेरिया थोड़ी कौन इंपॉर्टेंट है, ऐसा थोड़ी होता है कि हिस्ट्री इंपॉर्टेंट नहीं है, संगीत इंपॉर्टेंट नहीं है, ये कैसे तो कोई तय कर सकता है भाई कौन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है कौन इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका क्या क्राइटेरिया है। तो ये बहुत अच्छी बात हुई है कि इस बात को आज रखा गया है, और इस बात को रखने से अब देखिए जैसे ही बताया गया कि 25% जो है ये प्राइमरी टीचर्स के प्रमोशन से भरी जानी है, तो
तो तुरंत उसी समय डांस ज्वाइन टीचर्स के द्वारा ये रखा गया कि साहब देखिए एक पॉइंट जो है ये भी दिया गया था, क्या दिया गया था कि अगर 25% में सीट अगर वैकेंट है, अगर सीट क्या है खाली रह जाती है, तो वो जो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट यानी 75% के साथ क्या कर दी जाएगी, ऐड कर दी जाएगी, इस 75% के साथ ऐड कर दी जाएगी। और इस पॉइंट को जज महोदय के सामने भी प्रस्तुत किया गया कि साहब देखिए ये लिखा गया है। अब जब जज साहब ने इसको पढ़ लिया है तब इसके बाद अब इनकी कोई भी दलील नहीं चल पाई, अब कुछ नहीं चल पाया, और इन्होंने भी फिर इसका कुछ भी विरोध नहीं किया, क्योंकि अब क्या बोलते हैं, अब तो कुछ बोलने को बचा ही नहीं था इनके पास, तो अब बोलने के लिए एकदम चुप हो गई है। तो यानी देखिए सबसे अच्छी बात है कि यहां पे 25% का मुद्दा उठाया गया, और इस 25% में जो डिफेंड सरकार की साइड से जो वकील थे इन्होंने प्रमोशन की बात की कि ये जो है अलग से 25% की सीट है और उसको हम देने वाले नहीं है। आप देखिए उस समय जो उनके साथ के वकील थे उनका हाव भाव देखिए, वो बिल्कुल हाँ बिल्कुल देने नहीं है, इसको नहीं करना है, ऐसा मतलब ऐसा था, वो ऐसा घेर के खड़े थे मतलब कितना बच्चों की भलाई की बात कही जा रही है, तो मैं तो देख रहा था कि भाई देखो कैसा हो रहा है। तो बहुत अच्छी बात हुई, कम से कम ये 25% जो है अब क्लियर हो गया, अब कहीं कोई जो क्लियरिफिकेशन में था मैटर अब क्लियर हुआ कि भाई ये 25% भी अब आपको देनी है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात थी जो आज जो है बहुत ही क्लियर हो गई है। तो ये जो है एक महत्वपूर्ण बात आज के दिन में हुआ है। इसके साथ ही साथ कुछ और भी बातें हुई हैं, और वो बातें क्या क्या हुई हैं उनको भी आप देख लेते हैं। तो इसको मैं मिटा रहा हूँ जिससे फिर मुझे लिखने में आसानी हो जाए, तो इन सभी बातों को यहाँ से हटा रहा हूँ मैं। आज की सुनाई बहुत अच्छी रही, और जो भी आपके एडवोकेट थे उन्होंने बहुत अच्छी बहस की है, तो काफ़ी अच्छा रहा आज का दिन। आज का दिन तो हम कहेंगे भाई नॉन ज्वाइन टीचर के लिए ही था, तो काफ़ी अच्छा रहा उनके लिए। और देख लें क्या क्या बातें हुई हैं। हाँ, और ये बातें कहा गया सरकार के वकील के द्वारा कि अगर 25% सीट खाली रह जा रही है, इसमें से 25% में खाली रह जा रही है, तो इसको हम जो है जो भी इस बच्चे हैं उनको हम नहीं देंगे, हम केवल भर्ती किसमें करेंगे, हम करेंगे 13,398 पर। ये दलील भी दी गई है, तो ये भी खारिज हुई है। और क्या कहा गया है, फिर जो है जो नॉन ज्वाइन टीचर्स के साइड में थे उनके द्वारा कुछ सजेशंस दिए गए, मतलब कुछ प्रेयर किया गया कोर्ट के समक्ष, और वो प्रेयर क्या क्या थे उसको मैं यहां लिख दे रहा हूं जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि वास्तव में आज वकीलों ने एडवोकेट लोगों ने काफी मेहनत की और क्या क्या बातें उन्होंने कही हैं उसको मैं यहाँ पर जिक्र कर रहा हूँ। पहली बात देखिए, जो एडवोकेट के माध्यम से कहा गया कि ऐसा किया जाए कि स्टेट मेरिट बना दी जाए, ये बात कही गई कि साहब ऐसा है स्टेट मेरिट बना दी जाए, और स्टेट मेरिट बनाने के बाद जो भी ज्वाइंट टीचर बाहर जाए, जो भी ज्वाइन टीचर बाहर जाएं, उनको क्या किया जाए, अलग से पद सृजित कर दिया जाए या उनको अलग से पद बनाकर उनको रख लिया जाए। लेकिन इस दलील को जो है कोर्ट ने खारिज किया है, मतलब ये दलील जो है कोर्ट ने नहीं मानी है, इस प्रेयर को कोर्ट ने नहीं माना। कोर्ट जो है मुझे लग रहा है कोर्ट भी ये चाह रहा था कि कोई अलग से पद ना आए जिससे कहीं सरकार के ऊपर कोई दबाव ना हो और सरकार के ऊपर कोई बहाना भी ना रहे। तो ये कोर्ट की भी मंशा थी कि जितना पर भी एडवर्टाइजमेंट निकला है 17,000 समथिंग पर, उतने पर ही ये पूरी वैकेंसी क्लियर हो जाए। तो इस बात को भी रखा गया है, इस पॉइंट को भी रखा गया है, लेकिन इसे भी नकारा गया है। और दूसरी एक बात और रखी गई है एडवोकेट के माध्यम से, एक बात और रखी गई है कि देखिए इससे करने से क्या हो रहा है, दो मेरिट बन रही है, टू मेरिट्स, ये दो मेरिट की बात भी कही गई है कि साहब अगर इस तरीके से कर रहे हैं तो ज्वाइंट टीचर का अलग बन गया है और जो अब बनेगा वो अलग बनेगा। तो ये बात भी कोर्ट को बताया गया है, लेकिन कोर्ट ने जो है इस पर भी कोई तवज्जो नहीं दिया है, इसको भी डिनाई ही किया है, मतलब वो कह रहा है कि नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं है, जो ज्वाइन कर चुके हैं उनके लिए कोई बात नहीं है। तो ये बात भी अगर आपके मन में ये बात है कि बात नहीं कही गई है, तो ये बात भी कही गई है, समझ कोर्ट के समझ बात रखी गई है।
लेकिन कोर्ट ने इस बात को भी नहीं सुना है। तो ये दो बातें जो सबसे अहम बातें थी वो दोनों बातों को रखी गई हैं। और अब अगली बातें क्या 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 आपके फेवर में अब हुई हैं, अब उन बातों को हम देखने जा रहे हैं। ये तो मैंने बोला कि क्या क्या सजेशन दिया गया, कोर्ट के समक्ष क्या क्या प्रेयर किया गया है, तो ये दो महत्वपूर्ण बातें रखी गई थी कोर्ट के समक्ष। अब देखें यहाँ पे कि आपको आज का जो जजमेंट आने वाला है और आज की जो बहस हुई है उससे क्या क्या आपको फायदा मिलने वाला है उसको यह समझ लेते हैं। देखिए, मैं बार बार, और शायद मैं ही ऐसा व्यक्ति हूँ जो बार बार टाइम लिमिट की बात करता हूँ। मैं शुरू से, जब कभी भी मैंने चैनल स्टार्ट किया तो मैंने हमेशा आपके लिए यही कहा कि आप टाइम लिमिट लेके आना, और शायद ही कोई ऐसा चैनल होगा जिसने टाइम लिमिट की बात की होगी। और मैं हमेशा आपको इस बात से आगाह करता रहा कि टाइम लिमिट, टाइम लिमिट, टाइम लिमिट। और ये बहुत अच्छी बात रही। आज फेवर में आपके क्या रहा? आपके फेवर में ये रहा कि आपकी एडवोकेट के द्वारा जो सबसे जरूरी था वो टाइम लिमिट ले लिया गया। ये बहुत महत्वपूर्ण था, ये बहुत ही महत्वपूर्ण था। और जो टाइम लिमिट की डेडलाइन ली गई है वो कितना लिया गया भाई? कितना लिया गया? 3 मंथ्स का मिला है, 3 महीने का मिला है। यानी अब हर हाल में, अब जो डेडलाइन क्या बन गई है, अब हर हाल में जो डेडलाइन बन गई है वो क्या बन गई है? 15 मार्च 2023। अभी डेडलाइन बन गई है, अभी डेडलाइन हो गई है। यानी अब जो है सभी को नौकरी मिल जाएगी। अब किस, कब तक मिल जाएगी नौकरी? 15 मार्च 2023 तक मिल जानी है। अब चाहे इसमें वो डीबी कराएं 2 महीना, चाहे रिजल्ट निकालें, कुछ भी ये करें, अब लेटें, सोएं, जगें, जो मन के वो करें, लेकिन इस 3 महीने के अंदर क्या कर दें भाई, आप लोगों को ज्वाइनिंग दे दें। तो एक टाइम लिमिट बहुत ज़रूरी था। अभी पीएस में ये नहीं मिल पाया है, तो अभी देखिए पीएस वालों के साथ वो भी कुछ महीनों में कर दें तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो सरकार का रवैया है तो आप देख ही रहे हैं, अब तो बहुत दिनों से आप लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। तो 15 मार्च 2023 का जो डेडलाइन है अब वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो गया है। तो एक बात तो ये हो गया है कि ये डेडलाइन आपको मिल गया है, टाइम आपको लिमिट मिल गई है, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो एक अच्छी बात ये हो गई है, और अच्छी बात क्या हो गई है कि अब देखिए और क्या पॉइंट आपके लिए ठीक हो गए हैं। सबसे बात, आप जो पीआरटी की बात कर रहे थे, पीआरटी की जो आप बात कर रहे थे, सरकार जो है 6 से 7 सब्जेक्ट पर राजी हुई थी। ये 6 से संस्कृत वाले क्या मतलब बाद में लिया गया, बाकी 6 सब्जेक्ट ही था, तो 6 से 7 सब्जेक्ट पर राजी हुई थी। लेकिन अब जो है, अब क्या हो गया है, अब सभी सब्जेक्ट हो गए, ऑल सब्जेक्ट्स। यानी ऑल सब्जेक्ट का मतलब है कि अब जो है 25% में जितनी सीटें बचेंगी उन सभी पर मेरिट बनना है। यानी अब जो चौथी बात है वो क्या बनने वाला है? कॉमन मेरिट बनने वाली है। कॉमन मेरिट बनेगी, किस पर बनेगी? तो 13,398 में जो सीट बची है, इसकी बची सीट पर, इसकी बची हुई सीट पर ये, और प्लस कौन सी सीट जो आपका 25% में, इसमें जो सीट क्या है भाई, बचा हुआ है, बचा हुआ सीट। ये बात इसलिए मैं क्लियर लिख रहा हूं किस पर बनने वाला है। अब इन दोनों को ऐड करके क्या बनेगा? कॉमन मेरिट बनेगा। वो भी कैसे बनेगा? स्टेट वाइज बनेगा, ये स्टेट लेवल की मेरिट होगी, ओके। और साथ में स्टेट लेवल की मेरिट होगी, लेकिन इसी के साथ साथ क्या होगा? सब्जेक्ट वाइज होगा, ये तो कहने वाली बात नहीं है लेकिन लिख दे रहे हैं, सब्जेक्ट वाइज होगा। और साथ ही साथ क्या होगी भाई? कैटेगरी वाइज भी होगी, ये कैटेगरी वाइज भी होगी। यानी यहां पर भी कैटेगरी के जितने रूल्स एंड रेगुलेशन हैं वो सारे के सारे फॉलो किए जाएंगे। जिस कैटेगरी में 25% में जितना सीट है उतना ही ऐड होगा। जैसे 14 सीट मान लीजिए किसी सब्जेक्ट में है तो डिवीजन है 7, 2, 5, 3 ऐसे करके, तो जनरल की 7 सीट हुई, यानी तो ऐसे ही सबको जोड़ा जाएगा। लेकिन फायदा क्या हो रहा है? फायदा देखिए क्या हुआ है, फायदा जो हुआ है अगली बात कि अब जो है, अभी तक जो आपको था वो केवल आपको 11 जिलों का ही मिल रहा था। यानी केवल 11 डिस्ट्रिक्ट ही, केवल 11 डिस्ट्रिक्ट की ही पीआरटी की सीट आपको मिल रही थी।
ये देखिए। लेकिन अब क्या हो रहा, अब ये नहीं मसला है, अब क्या हो गया है, अब इसमें एडअप क्या हो जाएगा, अब इसमें एडअप क्या हो जाएगा, इसमें एडअप जो होगा बाकी अब 13 डिस्ट्रिक्ट भी ऐड हो जाएगा, यानी अब टोटल 24 डिस्ट्रिक्ट की जो पीआरटी की सीट है वो सब आपको अब मिलेगी ऐसा। तो यानी अब कहने का क्या मतलब है, अब कहने का ये मतलब है कि अब जो सीटों की संख्या है वो बढ़ जाएगी, सीटों की संख्या क्या होगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि अब 11 सीट पर आपने अभी तक डीवी कराया होगा तो अब सीट क्या होंगे, अधिक हो जाएंगे, क्योंकि अब क्या होगा ये 13 जिला की सीट भी उसमें आ जाएंगे, तो ये सीट भी आपको अब वहां से मिल जाएगी, तो निश्चित रूप से सीटों की संख्या बढ़नी तय है। तो अब फायदा क्या होने वाला है, किसको फायदा होने वाला है, तो अब जरा इस बात को भी जरा गौर कर लीजिए कि भाई फायदा किसको होगा सबसे अधिक, तो इस बात को भी गौर कर लेते हैं। ऐसे जो चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। कुछ ऑब्जर्वेशन हो सकता है कहीं गलत हो जाए, मेरा ऑब्जर्वेशन कुछ और आपका ऑब्जर्वेशन कुछ और हो तो कोई माइंड नहीं करेगा, अगर आपका ऑब्जर्वेशन कुछ और है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं स्वागत करता हूँ ऐसे ऑब्जर्वेशन का। कहीं अगर मुझसे कोई गलती हो रही हो तो उसे भी इग्नोर करिएगा, सब कुछ मैनुअल है, कहीं कुछ कट है मैं कट पेस्ट नहीं करता हूँ, तो सब कुछ वैसे ही चलता रहता है, तो कहीं हो सकता है कुछ जबान फिसल गई हो या समथिंग कुछ कहीं डाटा हो जाता है तो उसको माइंड नहीं करिएगा। मेन फोकस है कि आपको बताना है कि आज क्या जजमेंट हुआ है, क्या चीज़ें हुई हैं और क्या बेनिफिट मिलने वाला है, तो उस पर ही फोकस हम कर रहे हैं, देखते हैं। तो हाँ हम लोग ये थे ना, क्या 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 हो, मैंने लिख लिया कि जैसे कुछ पॉइंट छूटे ना, नहीं तो फिर से अलग से वीडियो मुझे बनाना पड़ेगा उसके लिए। देखिए यहाँ पे अगला पॉइंट, तो नेक्स्ट बात हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, नेक्स्ट बात ये देखने जा रहे हैं कि ऐसे कैंडिडेट्स, ऐसे टीचर कैंडिडेट्स जो हाई मेरिट वाले में थे, जैसे 11 जिलों में जहाँ पर मेरिट बहुत ज़्यादा गई थी, तो उनका सिलेक्शन निश्चित है, उनको कोई डाउट नहीं है कि भाई उनका होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ उसी के साथ साथ जो लो मेरिट वाले डिस्ट्रिक्ट हैं अब उनमें भी सिलेक्शन पक्का हो गया। क्यों पक्का हो गया, क्योंकि 13 डिस्ट्रिक्ट की भी पीआरटी सीट आ गई है, तो अब यह लग रहा है कि जिन बच्चों ने पीआरटी के अगेंस्ट में क्या कराई थी, अपनी अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया था, ये अब इनको जो है निश्चित रूप से नौकरी मिल जाएगी, ये लग रहा है। अभी ये मैं डाटा एनालिसिस करके भी आपको दूंगा, तो ये जो सीट एडअप हो रही है तो उससे लग रहा है, मिल रहा है संकेत कि जिन्होंने जो बच्चे पीआरटी में चाहे वो लो मेरिट वाले डिस्ट्रिक्ट से थे चाहे हाई मेरिट डिस्ट्रिक्ट से थे अब उनको जो है आसानी से जॉब मिल जाएगी, और जो बच्चे इस समय करा रहे थे उनमें से कुछ बच्चों को मिलेगा, क्योंकि बहुत से बच्चे एब्सेंट चल रहे हैं, तो निश्चित तौर पर जो है मेरिट जो है नीचे आएगी, तो बिल्कुल ही टेंशन मत लीजिएगा। एटलीस्ट आप मान के चलिए कि 2 से 3 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन का मतलब है लगभग 6 नंबर, 5 से 6 नंबर जो है जितना भी पीआरटी का गया था उससे नीचे आना तय है। अगर पीआरटी में मान लीजिए 180 गया हुआ है, 180 गया है तो मान के चलिए 175, 176 आना तय है। तो ऐसे बच्चे जो भी हाल फिलहाल में जो अभी डीवी चल रहा था अगर उसमें भी वो कराए हैं और मेरिट ठीक ठाक है, मतलब 2-4 क्वेश्चन का ही अलग फर्क है, तो उनका भी होना भी तय है, तो ये बहुत अच्छी बात आपको होगी। और सबसे अच्छी बात ये रह गई है कि अब आपको सरकार का मुंह नहीं देखना पड़ेगा, अब किसी के दरवाजे पे आपको नहीं जाना पड़ेगा, अब आपको ये नहीं कहना पड़ेगा कि साहब म्यूजिक के हम हैं हमको भी जरा सा पीआरटी में शामिल कर लीजिए, साहब हम इस सब्जेक्ट के फिजिकल एजुकेशन में हैं हमारा भी सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी आपको नहीं कहना है, अभी कोर्ट ने बता दिया कि सब सब्जेक्ट इक्वल है, ये आप कुछ ये नहीं कर सकते हैं कि नहीं ये इस सब्जेक्ट को हम चूज करेंगे उस सब्जेक्ट को नहीं चूज करेंगे, तो ये सबसे अच्छी बात हुई है। मैं बार बार कहता हूँ कि सबके लिए बात करिए, बहुत से बच्चे कहते हैं कि सर आप सबके लिए क्यों कहते हैं, हमने पैसा लगाया है, हम 1 लाख रुपया खर्च किए हैं तो अपने सब्जेक्ट का ही बात करेंगे, लेकिन देखिए सबका भला हुआ है तो उसी के साथ साथ जितने भी बच्चे थे सबका कल्याण हो गया है, तो ये बात आज एडवोकेट में देखा मैंने कि 4-5 एडवोकेट थे लेकिन सब एक सहमति से थे, ये भी अच्छी बात थी कि सब स्टेट मेरिट की बात कर रहे थे तो सभी लोग स्टेट मेरिट की बात कर रहे थे, ये अच्छी बात है, और मैं इसीलिए कहता हूँ कि भाई एकजुटता बहुत ज़रूरी है और मैं शुरू से इस बात को कह रहा था।
तो उसका परिणाम आज देखने को मिला है और बहुत ही मन अंदर से खुश हुआ है आप लोग की सब बातें देख करके। अब और हाँ एक बात और है कि 11 ज़िले के बच्चे तो बच्चों को बेनिफिट बहुत मिलने वाला है जो नॉन शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट के बच्चे थे, क्योंकि मेरिट उनकी ज़्यादा थी और अब जो मेरिटोरियस कैंडिडेट्स हैं उनका भी निश्चित रूप से हो जाएगा। एक वीडियो मैंने बनाया कि पिटिशनर्स जो हैं उनकी संख्या किस सब्जेक्ट में ज़्यादा है किस सब्जेक्ट में कम है, आप उसको देख सकते हैं तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि किस सब्जेक्ट में बच्चों की संख्या अधिक है जो पिटिशनर्स हैं, तो आपको एक आइडिया वहाँ से मिल जाएगा। और भी अगर इस तरह का कुछ एनालिसिस बनता है तो मैं आपके लिए लेके आऊँगा। आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं कि सर इसकी एनालिसिस दीजिए, तो अगर मेरे पास डाटा होगा तो मैं बिल्कुल उसका बना के आपको दे दूंगा। और जो सबसे अच्छी बात है कि जितने भी जैसे लोग कह रहे कि याचिकाकर्ता को मिल गया, याचिकाकर्ता को मिल गया, मिलना भी चाहिए था, हो गया ठीक है, नहीं तो फिर पता चलता फिर एक नया भी मुकदमा आ गया होता। तो अच्छी बात है कि उन लोग को भी नौकरी मिल गई है तो अब वो भी थोड़ा सा सुकून से रहेंगे और ये भर्ती ख़त्म हो जाएगी। तो ये भी है, मतलब मैं मान के चल रहा हूँ कि भाई चलिए कोर्ट ने भी कहा कि भैया पीछा छूट जाए, मतलब चलो भाई इनको भी दे दो और कम से कम ये भर्ती तो कंप्लीट हो जाए। ये जितने बच्चे 4 साल 5 साल से वेट कर रहे हैं तो कम से कम सब कुछ अब ठीक है भाई, 415 सीट गई चलो ठीक है, लेकिन एटलीस्ट अब कोई जो बच्चे बचे हुए वो मुकदमाबाजी नहीं करने वाले हैं, तो अब ख़त्म हो गया है। तो इसको अन्यथा नहीं लेंगे, मैंने वैसे ही कहा है कि सबका हो गया है, पिटिशन्स का भी हो गया, ज्वाइंट टीचर भी खुश हो गए हैं और जो बच्चे मेरिटोरियस थे अब उनको भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। कुछ बातें, हर एक जजमेंट में कुछ ना कुछ खामी रह जाती है तो उस खामी को लेके ना बैठें और फ़ायदा ही है। मैं अगर पूरी भर्ती रद्द हो जाती तो किसी को कुछ नहीं मिलता, तो उससे तो बेहतर ही है। अगर मान लीजिए जैसे सरकार की मंशा थी कि 13,398 पर ही देते, उससे भी बेहतर ही हम मान के चल रहे हैं। तो हम तो यही कहेंगे भाई अंत भला तो सब भला है, तो अच्छी बात है, खुशी की बात है। और ऐसे बच्चे जो इसमें सेलेक्ट होंगे वो मेरा चेहरा याद कर लेंगे, अगर झारखंड में कहीं दिखाई दूँ तो कम से कम मिठाई के लिए एक बार ऑफर कर दीजिएगा, तो मुझे लगेगा जितना भी मैंने वीडियो बनाया है वो मेरे लिए सफल, आप लोग के लिए सफल रहा है। तो आई थिंक आप लोग के लिए इतनी इन्फॉर्मेशन थी, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर की है, कुछ कहीं छूट गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और आई होप आप सभी जॉब में जल्द से जल्द आएँ और एक अच्छे शिक्षक बन करके झारखंड को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं और यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को थोड़ा दुरुस्त करें और अपने कार्यों का निर्वहन करें और जो नौनिहाल हैं उनके भविष्य को संवारें और एकदम मजबूती के साथ जॉब करें और मेरे चेहरे को याद रखें और इसी के साथ साथ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद, गुड नाइट।